हाँ, जिस पार्टी के हैं, बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, ये आप मेरे से सुन लीजिए, यहाँ भी नहीं आएगी। और यूपी चुनाव में तो जो ये कैंडिडेट्स जो खड़े हुए हैं, इनकी बिल्कुल जमानत जब्त होगी, आपके सामने 2 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। ऑक्सीजन जो है ना, किसान बहुत ज़्यादा पैदा करता है, जिस ऑक्सीजन की आज दिक्कत है, जो फसल हमारी खड़ी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन ही छोड़ती है एनवायरनमेंट में। ये तो हमारी दिक्कत ये है कि ये जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, ये किसान के खेत में पैदा नहीं होते। अगर ऑक्सीजन किसान के खेत में पैदा होती तो आज देश में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होती। इसीलिए किसान आज जो लड़ाई लड़ रहा है वो सिर्फ चुनाव की या सरकार बनाने की नहीं है, वो अपने हक के लिए आया था, यहाँ जमीन की लड़ाई लड़ रहा, अपनी जमीन छीनने देना नहीं चाहता, वो MSP की गारंटी चाहता है। लेकिन उसके साथ फिर देश जुड़ता चला गया। अब किसान ने सोचा कि चलो भाई, आज ना सरकार सुन रही है ना विपक्ष सुन रहा है, इस देश की कोई तो सुनेगा। तो किसान ने सुनी, आज तेल, पेट्रोल, डीजल के भाव, इन सब के खिलाफ किसान लड़ा। बंगाल में जाके चुनाव प्रचार बीजेपी के खिलाफ हमने किया। तो ये किसान की सिर्फ बिलों की नहीं, ये किसान की वहाँ जाकर सरकार के खिलाफ भी लड़ाई है। विरोध अलग चीज़ होती है, हमने विरोध नहीं किया, हमने इस देश में जागरूकता फैलाई। बच्चों को नकारात्मक नहीं हम पढ़ाते, बच्चों को सिखाते हैं जो अच्छा है। हम यहाँ जो देश में कमियाँ हैं, जैसे अब ये कोरोना, और ये किसकी ज़िम्मेदारी है? ये सरकार की ज़िम्मेदारी है। चलो कोई बात नहीं, आपदा आई, कोई देश से आपदा नहीं आई, विदेश से आई, तो भाई गृह मंत्री इस्तीफ़ा दे दो, विदेश मंत्री इस्तीफ़ा दे दे, प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा दे दे। और पहली बार हिंदुस्तान में ऐसी सरकार आई थी, अब की बार भाजपा सरकार नहीं थी, मोदी सरकार। जब मोदी ने अपनी जिम्मेदारी पर देश में सरकार बनाई है, तो आज जब देश में बुरी परिस्थितियां हैं, तो मोदी को जिम्मेदारी लेते हुए त्याग पत्र तुरंत दे देना चाहिए, उसका नैतिक फर्ज बनता है। और अगर वो त्याग पत्र नहीं देंगे, तो आज तो हम देश में जागरूकता फैला रहे हैं, कल को हम देश में सत्ता भी छीन लेंगे, सत्ता किसान ले लेगा। सबसे पहले तो मैं जो सभी दर्शक हैं उनको नमस्ते करता हूं और नमन करता हूं। अभी पता चला मुझे सरदाना जी का, जो आज तक पे थे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनका स्वर्गवास हो गया। और बड़े दुख की बात है कि NDTV और BBC उस न्यूज़ को पहले दिखा रहा था, लेकिन आज तक जिस पे वो कार्य कर रहे थे, उस आज तक ने अब चलाई है 10 मिनट पहले, और आज तक अभी भी एग्ज़िट पोल और वो सर्वे दिखा रहे हैं। अरे क्या एग्ज़िट पोल है, नहीं बननी बीजेपी की सरकार, नहीं बननी हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार, कहीं नहीं बनेगी। दिखाते रहो, कुछ भी दिखा दो आप एग्ज़िट पोल, भाई सरकार के चैनल हैं, हम तो पहले से कह रहे हैं, पूरे पत्रकार बंधु कह रहे हैं, कहाँ से प्रेस में, आप लोगों ने ही गोदी मीडिया बना रखा है, जो गोदी मीडिया है वो दिखाएगा, दिखाने दो। अब हमारी लड़ाई आर पार की लड़ाई हो गई है, संवैधानिक तरीके से हम अपनी बात रख रहे हैं, यहाँ बैठे हैं। अगर सरकार होती हिंदुस्तान में और गृह मंत्री या प्रधानमंत्री लोगों के प्रति चिंतित होते, तो आपको लगता ये 155वां दिन आता? आज 155वां दिन है, यहाँ पर हम आंदोलन में, हमने यहाँ सर्दी काटी है, बरसात काटी है, अब गर्मी शुरू हो गई है, देखिएगा वो हमारा जज्बा देख लेंगे, हम उसकी हिम्मत देखते हैं। 2 मई को जो रिजल्ट आ रहे हैं 5 राज्यों के चुनावों के और यूपी पंचायत चुनाव के, कुछ बदलेगा माहौल किसान आंदोलन का? नहीं, किसान आंदोलन का माहौल तब बदलता, तब किसानों ने अपने कैंडिडेट खड़े किए होते इस आंदोलन में, तब तो हम कह सकते थे कि भाई इतने कैंडिडेट जीते, इतने कैंडिडेटों को इतना वोट मिला। किसानों ने अपने कैंडिडेट खड़े थोड़े किए हैं भाई, किसान इतनी ज़्यादा मेहनत करता है, आपने अगर किसानी की हो तो किसान इन छोटी मोटी बातों को नहीं देखता, ये BJP वाले देखते हैं। शायद आपको पता ना हो, 1 एकड़ में 1 कट्टा गेहूं का बीज लगता है, जब हम बोते हैं फसल को तो 40 किलो के आसपास अनाज लगता है, तो 40 किलो अनाज किसान ज़मीन में फेंक देता है, ज़मीन में गाड़ देता है, मिले ना मिले,
उसके ऊपर फिर भगवान की मेहर होती है, या पानी नहीं होगा या कभी सूखा पड़ गया तो जमया नहीं जमया, तो किसान तो बड़े बड़े रिस्क लेता है, ये छोटी मोटी बात किसान नहीं सोचता है। सर पूरे देश में महामारी चली हुई है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं किसानों ने जो बॉर्डर घेर रखे हैं दिल्ली के, इनसे जो रसद आ रही है, दवाई गोली वगैरह गैस हैं टैंकर हैं, उनको काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है, किसानों को ऐसा देखना चाहिए? ऐसे कुछ लोग हमने देखे ही नहीं है। कौन है ये कुछ लोग? ना आपको कभी दिखी यहाँ, आप दिखाइए एक बार जानबूझकर ऑक्सीजन का टैंकर इन्होंने घुसाया अंदर, उसके आगे पुलिस थी, कोई रूट नहीं बनता। आप यहाँ इतने दिन से, आपको पता है सारे रास्ते, सीधा रास्ता जाता है, लेकिन उसे पुल के नीचे घुसाया गया। लेकिन उसको भी हमने जल्दी से जल्दी वॉलंटियर्स ने निकाला जल्द से जल्द। नतीजे मुताबिक क्या होगा? अभी तक किसान ने कोई पार्टी थोड़ी बनाई है कि पार्टी चुनाव हार की। किसान पार्टी भी बनाएगा, किसान चुनाव भी लड़ेगा और किसान सरकार भी बनाएगा, लेकिन समय, अभी हम सबको समय दे रहे हैं। अभी हमने सरकार से डिमांड की है, किसान ने अपनी बात रखी है। किसान को कमज़ोर समझ सकते हैं क्या? ये किसानों का देश है, 114 करोड़ से ऊपर इस देश में अकेले किसान हैं। नहीं, किसान कन्फ्यूज़ नहीं है। जब फसल बोते हैं तो 3-4 दिन लग जाते हैं उसको ऊपर आने में, बीज को अंकुरित होने में। तो ये जो 3-4 दिन का माहौल होता है ना, उसमें किसान से घर नहीं बैठा जाता, उसे पता है 3-4 दिन लगेंगे, लेकिन फिर भी जाकर हम जाकर उंगली मार कर देखते रहते हैं एक एक बीज को कि हाँ भाई क्यों नहीं हुआ। हम समस्या की जड़ तक जाएंगे। अभी सिर्फ ये नहीं कि ये भाई कानून वापिस, MSP, ये तो हम कराएंगे ही। देश में जो और समस्याएं आ रही हैं, निजीकरण की, पूंजीवाद की, ये समस्याएं किसकी हैं? ये मोदी की क्रिय समस्याएं हैं, शाह की हैं। मोदी शाह इस जमा बराबर में तानाशाह, इस तानाशाही को ख़त्म जो करेगा वो किसान करेगा। और देश में जो ये कोरोना संकट लगाएं, या जो आप व्यवस्था का संकट लगाएं, या जो बेरोजगारी का संकट लगाएं, बहुत सी परेशानियां हैं देश में, उनको सबका इलाज करेगा किसान ही करेगा। हाँ, किसी का अपना विचार हो सकता है, लेकिन किसान यूनियन के नेता के पीछे हम खड़े हैं, वो कहेंगे वैसा ही करेंगे। लेकिन यहाँ जितने भी किसान हैं वो सभी किसान इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और आप सिर्फ यहाँ के किसान मत देखिए, मैं फिर एक शब्द प्रयोग करता हूँ, 28 तारीख को आपने देखा है, अब दोबारा कुछ ऐसा होगा तो इस देश का 114 करोड़ किसान जुड़ चुका है और जन समर्थन हमें मिल रहा है। आज आप देखिए, अभी बार बार कह रहे हैं कि किसान को नहीं, किसान को नहीं। अरे हम जो समझा रहे थे वो मोदी ने दिखा दिया, सरसों का तेल पिछले 3 महीने में डबल हो गया है। हम तो खुश हैं इस बार किसान आंदोलन की, अच्छी बात है कि हमारी सरसों बड़े अच्छे रेट पर बिकी है, लेकिन कहाँ गई है? वो दोबारा से उन जमाखोरों के गोदामों में गई है और उन्होंने सरसों के तेल का रेट डबल कर दिया। तो किसान तो फिर भी इतनी सरसों रख लेगा, अपने घर निकाल लेगा, लेकिन ये जो मध्यम वर्गीय हैं, जो यहाँ NCR क्षेत्र में रहते हैं, इनका गुजारा कैसे होगा? ऐसे ही इनका कब्जा करने का मन है गेहूँ पर, ताकि ये गेहूं पर कब्जा करें और फिर 150-200 रुपए किलो आटा दें। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेडिकल की सुविधा बंद हो चुकी है, क्योंकि किसान का काम त्याग का होता है, किसान के पास भावना होती है। जो हमारे यहाँ मेडिकल के डॉक्टर्स थे, वो आज हमने दिल्ली में जहाँ भी कोरोना पेशेंट्स हैं, अभी यूनाइटेड सिख भी, खालसा एड भी ऑक्सीजन के सिलेंडर बांट रहे हैं, आपने देखा होगा। तो किसानों का काम है लोगों की मदद करना, तो हमें डॉक्टर्स जितने हमारे पास थे, वो सभी डॉक्टर्स आज कोरोना काल में लोगों की सेवा कर रहे हैं। और लोगों की, फिर आप कहते हैं संख्या कम कहाँ हुई? अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा टिकरी पे 50,000 लोग फिर आ गए हैं खेती से काम करके। अभी ये मेरे भाई साथ में बैठे हैं, मेरठ से आए हैं, ये खुद बता रहे हैं इधर गेहूं की कटाई चल रही है, इनके इधर वाले जिलों में थोड़ा पछेती गेहूं हम बोते हैं, 2-3 दिन में कटाई हो जाएगी, आप यहाँ देखिए। और वो जो घर पे भी हैं वो लोग हमारे साथ हैं, हम अपने ही लोगों को तंग क्यों करें? अगर हमें कुछ होगा, हमारे पास बैकअप फोर्स है। मोदी हटेगा तो BJP के पास विकल्प नहीं है कि मोदी की जगह किसको लेके आएंगे, शाह की जगह किसको लेके आएंगे। हमारे यहाँ करोड़ों विकल्प हैं। मैं जाऊँगा, मेरी आइडेंटिटी नहीं है, मैं एक किसान हूँ, दूसरा किसान आ जाएगा, तीसरा किसान आ जाएगा, साथ में शेरा भाई ये आ जाएंगे कल को। हमारे साथ तो बहुत से लोग हैं,
बहुत ताकत है, आप चिंता ना करें, सरकार झुकेगी भी, सरकार कानून भी वापस लेगी, सरकार एमएसपी की गारंटी भी देगी।